वो कहते हैं कि आधा अधूरा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल अशास्त्री नहीं। 75वां जन्मदिन आप मनाए अभी, हमको लगता नहीं कि भगवान इससे अच्छा तोहफा कोनो साल दिए होंगे? इस साल तो सीधे राम ललक प्राण प्रतिष्ठा होने वाले जन्मदिन के बाद। यही बात है, इसीलिए इस बार मैं बहुत प्रसन्न भी हूँ और ऐसा उत्सव भी आपने कभी नहीं देखा होगा। अच्छा महाराज जी, थोड़ा प्राण प्रतिष्ठा समझा दीजिए दर्शकों, बहुत लोग जानते हैं। प्राण प्रतिष्ठा में और सामान्य कुछ ऐसे विग्रह हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती। हमने 441 प्रमाण दिए थे जी, और उत्खनन करने पर 437 प्रमाण सत्य निकले थे। 4 धूमिल थे, वो भी मेरे पक्ष में आए। आपने हनुमान चालीसा की कुछ चौपाइयों को भी संशोधित किया भी। संशोधन नहीं, के संपादित किया, पुराने प्रतियों जो था वो ही मैंने कहा। तो राम हनुमान चालीसा में भी मैंने जी 4 बहुत बड़े अपराध किए थे। शिवसेना के एक नेता है संजय राउत, वो कल कह दिए कि मंदिर वहां नहीं बन रहा है, 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। नहीं, वो मूर्ख है। दिल्ली में मेरा पांडाल जलाया गया मुझे मार डालने के लिए, मेरा चांदी का सिंहासन जल गया, राम भक्तों निहत्थे राम भक्तों पर मुलायम सिंह ने गोली चलवाई, पूरी अयोध्या हाहाकार कर उठी, सरयू माँ का श्वेत जल लाल हो गया। पुलिस ने मेरी इस शारीरिक असमर्थता की भी परवाह नहीं की और दंडे चला दिया। आपके हाथ पे चोट भी आ गई थी, कहीं यही हाथ था? जी। अरे भगवान, हो गई ना। हाँ हाँ, ये देख रहो जी, यहाँ टेढ़ी हो गई। जी जी जी, यहाँ डंडा पड़ा। यही 11 जुलाई 2003 से 19 जुलाई 2003 तक मेरी गवाही चली थी लखनऊ खंडपीठ में। एक एक अपने उत्तर में विपक्षियों के 50-50 प्रश्नों के उत्तर समाप्त किए जी, और 7 दिन में उसी प्रकार निचोड़ के रख दिया जैसे कोई नींबू निचोड़ देता है। अरे हमने नहीं देखा है, आप बताइए कि हमारे प्रभु राम कैसे लगते हैं? आप सीन वैसा सौंदर्य, तो इतना कोमल शरीर की लगता छूने से कहीं कहीं उनका उनका त्वच निकल न जाए। लोग कहते हैं कि आपके बड़े अच्छे मित्र हैं मोदी जी, मुलाकात भी किए थे आपके, फिर आने वाले हैं मिलने आपसे। 1988 से हम दोनों के मित्र, जब अडवाणी जी की रथ यात्रा हुई थी ना जी, उसी समय। श्री कृष्ण की लीला केवल श्रवणीय है, सुनी जा सकती है जी, और राम जी की लीला श्रवणीय भी है, अनुकरणीय भी है। माता पिता गुरु सबके प्रति कैसा राम जी का व्यवहार है, वह व्यवहार यदि हम अपना ले तो हम महामानव बन सकते हैं। जय श्री राम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा, और आज जो मेरे मेहमान हैं वो बहुत खास हैं, क्योंकि उन्हें आप सनातन धर्म का रक्षक कह सकते हैं। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप में चमत्कार हैं, ईश्वरीय ताकत का आपको एहसास कराते हैं, और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज साहब बैठने का मौका मिल रहा है, जो रिश्ते में मेरे पटीदार भी हैं, तो इस बात को लेकर मैं और ज्यादा प्रसन्न हूँ। मैं पटीदार नहीं, रिश्ते में आपके परिवार का हूँ। हाँ, मेरे परिवार के हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग आप हैं। लेकिन महाराज जी, 75वां जन्मदिन आप मनाए अभी, हमको लगता नहीं कि भगवान इससे अच्छा तोहफा कोनो साल दिए होंगे? इस साल तो सीधे राम ललक प्राण प्रतिष्ठा होने वाले जन्मदिन के बाद। सही बात है, इसीलिए इस बार मैं बहुत प्रसन्न भी हूँ और ऐसा उत्सव भी आपने कभी नहीं देखा होगा जी। तो कितना बड़ा यात्रा रही, क्योंकि हमने सुना कि आप एक जमाने में जेल गए, लाठी वाठी आपको पड़ी और आपके हाथ पे चोट भी आ गई थी, कहीं यही हाथ था? यही। अरे भगवान, देखो ये टेढ़ी हो गई ना। हाँ हाँ, ये देख रहो जी, यहाँ टेढ़ी हो गई। जी जी जी, यहाँ डंडा पड़ा। यही 80 के दशक में, 90 के दशक में, 90 के दशक में। तो हम चाहते थोड़ा उस यात्रा के बारे में आप बताएं, क्योंकि देश जानना चाहता आपको, सुनना चाहता आपको। 1984 में आंदोलन प्रारंभ हुआ, उस समय रामचंद्र दास परमहंस, अवैद्यनाथ महंत, अवैद्यनाथ नृत्य गोपाल दास, मैं स्वयं, अशोक सिंघल जी, इन्हीं गिने लोगों ने मिलकर के इसको प्रारंभ किया था जी। आज सब लोग आ गए हैं, हमने किया, पर ये स्थिति ये थी। और इसके बाद हमने गांव-गांव में ईंट की पूजा करवाई जी। 1988 में जब राजीव की सरकार गिरी, 88 में कि 90 में
1990 में जी जी, तो उस समय राम भक्तों, निहत्थे राम भक्तों पर मुलायम सिंह ने गोली चलवाई जी, पूरी अयोध्या हाहाकार कर उठी, सरयू माँ का श्वेत जल लाल हो गया, वो भी दिन हमने देखा है। और 6 दिसंबर 1992 को हम लोगों ने वह कलंकित ढांचा ठहा दिया सरयू जी में, मुकदमा चला जी, मैं स्वयं जेल गया, डंडे खाए, नजरबंद तक हुए जी। अब सोचिए कि पुलिस ने मेरी इस शारीरिक असमर्थता की भी परवाह नहीं की और दंडे चला दिया, मेरी दाहिनी कलाई टूट गई, आप देखिए देख पा रहे होंगे और कैमरे में भी देख सकते हैं जी जी जी। वीपी सिंह की सरकार नहीं, नरसिम्हा राव सरकार। हाँ, इसके बाद दिल्ली में मेरा पांडाल जलाया गया मुझे मार डालने के लिए, मेरा चांदी का सिंहासन जल गया, पांडाल जल गया, मेरी कथा चल रही थी दिल्ली में, पर मैं तो अन्यत्र सहन कर रहा था, दमन जितना दमन करते बना उतना दमन सरकारों ने किया मेरा जी, और संतों ने समझौता कर लिया, पर मैंने कोई समझौते नहीं किए जी। और 2003 में जब शास्त्रीय गवाही का प्रश्न आया तो सभी शंकराचार्य मुकर गए, सभी मठाधीश मुकर गए यहाँ के, सबने कहा मेरे ठाकुर जी मना कर रहे हैं। मैंने कहा सुनो, मैं वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण हूँ और नियम है कि जिस मुकदमे में वादी नाबालिग होता है, अवयस्क होता है जी, वहां माता पिता गुरु ही पक्ष लेते हैं, मैं उनके गुरु गोत्र का हूँ जी, मेरे पूर्वजों ने राम जी का नमक खाया, मैं भी राम जी का ही नमक खा रहा हूँ, मेरे ठाकुर मना भी करेंगे तो मैं कह दूंगा तुम चुप रहो मैं जाऊंगा, तुम अभी अवयस्क हो जी। और मैं गया 11 जुलाई 2003 से 19 जुलाई 2003 तक मेरी गवाही चली थी लखनऊ खंडपीठ में जी। जब मेरी गवाही होती थी तो 300 वकील थे वहां, सारे अब लोग अपना मुकदमा छोड़कर हमारे ही हाल में बैठ जाते थे मेरी गवाही, मेरा बयान सुनने के लिए कि मैं कह क्या रहा हूँ और विपक्ष पूछ क्या रहा है। विपक्ष ने मेरी हत्या के लिए जी, या मुझे असंतुलित करने के लिए या मुझे चुप करने के लिए, मुझे पता है $45,000 दिया था उस जमाने, उस समय जी, पर सब कुछ असफल हुआ और भारत माता के आशीर्वाद से, राघवेंद्र जी के प्रताप प्रसाद से, मैंने एक एक अपने उत्तर में विपक्षियों के 50-50 प्रश्नों के उत्तर समाप्त किए जी, और 7 दिन में उसी प्रकार निचोड़ के रख दिया जैसे कोई नींबू निचोड़ देता है। अरे तो हम चाहते हैं महाराज जी बताइए कैसे कैसे जी बोल रहा, पूरे प्रश्न तो नहीं बता पाऊंगा जी, वो तो छपा है न्यायालय से ले लीजिएगा 100 पृष्ठों में है जी। 2-3 बातें जो बहुत ही रोचक है वो बता रहा हूं। विपक्षी वकील ने पूछा, जलानी थे उस समय, कि रामचरितमानस में राम जन्मभूमि का कहां प्रसंग है जी। तो मैंने बताया रामचरितमानस के बालकांड के उत्तरकांड के 4th दोहे की 5वीं पंक्ति में प्रकरण है, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर विदिशवा सरजू पावन, पुरी शब्द में सप्तमी है जी, अर्थात मेरी पुरी अयोध्या में जो मेरी जन्मभूमि है उसके उत्तर दिशा में सरयू जी बहती हैं जी। और स्कंद पुराण में तो यहाँ तक है कि 300 धनुष की दूरी पर सरयू बहती हैं, और जब नापा गया तो वही निकला
राम जन्मभूमि के मंदिर से 300 धनुष की दूरी पर ही सरयू बह रही थी। अब थोड़ी परिवर्तित की है, पर वहां सरयू की धारा के स्रोत हैं आज भी। जी। हमने 441 प्रमाण दिए थे जी, और उत्खनन करने पर 437 प्रमाण सत्य निकले थे। 4 धूमिल थे, वो भी मेरे पक्ष में आए। क्या बात है महाराज। उन्होंने यहां तक पूछा कि तुलसीदास जी ने और कुछ कहा है? मैंने कहा देखो, तुलसीदास जी मस्जिद नहीं मानते थे, राम जन्मभूमि का स्थान ही मानते थे। इसे कवितावली के उत्तरकांड में 96-96 में छंद में कहा, मांग के खइबो मसीत को सोइबो। मांग के खा लेते थे और विश्राम करने के जो इनकी मसीत थी वही राम जन्मभूमि स्थान मानकर तुलसीदास जी सो जाते थे। और तुलसी दोहा शतक एक उनका ग्रंथ है जी, उसमें स्पष्ट लिखा है, राम जन्म जन्ममहि मंदिर ही तोरी मसीत बनाए, बहु हिंदुन जवन निहती तुलसी की नहीं हाय। उन्होंने फिर पूछा कि वेद में कोई प्रमाण है? मैंने कहा वेद में चारों वेद राम जी के गुण गाते हैं, पर स्पष्ट रूप में अथर्ववेद में, अथर्ववेद के दशम कांड के 31वें अनुवाद के द्वितीय मंत्र में प्रमाण है, अष्टाचक्रानवद्वारा देवानां पुरोयध्या यस्याम हिरण्मयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। 8 चक्रों वाली 9 द्वारों वाली देवताओं की वह पूरी अयोध्या है जिसमें एक मंडप के आकार का स्वर्ण भवन है जी, सोने का महल है, उसमें स्वर्ग से 34 पुंज से युक्त एक महापुरुष प्रकट हुआ। ये वेद का वाक्य। तब मुस्लिम जज जो थे उन्होंने कहा, सर यू आर डिवाइन पावर जी जी, और वही मेरा वक्तव्य सुप्रीम कोर्ट में भी आया जी। 8 नवंबर 2019 को जब निर्णय देने का निर्णय आया तो अशोक भूषण ने कहा चीफ जस्टिस एक सर एक बार जगत गुरु जी का बयान पढ़ लिया जाए जी। पढ़ने के बाद 9 नवंबर 2019 को हमारे पक्ष में निर्णय आ गया जी। और अब मंदिर भी बन रहा है, भूमि पूजन में भी मैं था जी, और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मुझे निमंत्रण है, मैं रहूंगा जी। तब कोई नहीं, तब जितने ट्रस्टी जब भी हैं कोई उस समय नहीं था जी, चाहे गोविंद देव गिरी हो चाहे कोई भी हो, ये तो आप सब बन गए ट्रस्टी, जबकि मैं ट्रस्टी भी नहीं हूँ, मुझे आवश्यकता भी नहीं जी। मुझे तो रामलला का गर्भगृह में प्रवेश चाहिए था जी, वो हो रहा है और मैं उतना ही प्रसन्न हूँ जी, जितना कि वनवास से लौटने पर राम जी के प्रति अयोध्या वासियों में प्रसन्नता थी जी, उतना ही मैं प्रसन्न। जय श्री राम। महाराज जी, इस बीच में बहुत सारे शंकराचार्य लोग जो हैं बहुत कुछ टीवी बोलते हैं दिन रात, आप तक भी खबर पहुंचती होगी। मुझे सब कुछ पता है जी, तो क्या जवाब देंगे आप उन लोग को? उनको क्या जो वो हमसे पूछे तो मैं जवाब दूं? मैं तो जवाब देने को तैयार जी। वो कहते हैं कि आधा अधूरा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा। नहीं, ऐसा नहीं है, गर्भगृह मुख्य था जी, गर्भगृह में राम जी को पधराना शास्त्र संगत है जी, बिल्कुल अशास्त्री नहीं जी। वो क्या बोलेंगे? मैं भारत में आज आप वशिष्ठ गोत्री हैं, मैं बहुत गर्व से कह रहा हूँ कि भारत का आचार्य जी आज मेरे सामने 5 मिनट भी शुद्ध संस्कृत नहीं बोल सकता जी। तो जो कुछ हो रहा है शास्त्रीय है जी, और 22 जनवरी 12:29 पर त्रेता की छाया कलयुग पर आएगी जी, उसी समय पुनर्वसु नक्षत्र होगा, उसी समय रामचंद्र भगवान राम गर्भगृह में प्रवेश कर जाएंगे जी। आपको जज साहब ने डिवाइन पावर कहा था, और हमने ये भी सुना है कि आपने रामलला के दर्शन भी किए हैं, राजा राम को आपने एक बार आपकी उनसे मुलाकात हुई, हम चाहते हैं क्योंकि हमने नहीं देखा है,
आप बताइए कि हमारे प्रभु राम कैसे लगते हैं? बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। उनके संबंध में कुछ कहा भी नहीं जा सकता जी। मैंने तो छूकर दर्शन किया है जी। एक बार उन्नाव मेरी कथा हो रही थी, विद्यार्थी नहीं था कोई, मुझे बाथरूम जाना था। मैंने स्पष्ट देखा कि एक बालक हाथ पकड़ के मेरा बाथरूम ले जा रहा है और फिर ले आकर के मुझे बिस्तर पर बिठा रहा है जी। मैंने तो रियलाइज किया, आई हैव रियलाइज्ड जी, आई हैव सीन, नॉट रियलाइज्ड, आई हैव सीन। वैसा सौंदर्य तो इतना कोमल शरीर की लगता छूने से कहीं कहीं उनका वो उनका त्वच निकल न जाए, इतना फूल से भी कोमल। और मैं तो मानता हूं 5 फूलों की सुगंध इकट्ठी की जाए जी, ऐसी सुगंध रामलला जी के शरीर से निकलती है। गुलाब, कमल, पारिजात, तुलसी और चंपा जी। जिन लोगों को रत्ती भर भी संशय है उनको जान लेना चाहिए कि महाराज जी ने 7 साल की उम्र में रामचरितमानस की 10,900 चौपाइयां छंद याद कर ली थी, 6 साल में श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक याद कर लिए, 5 वर्ष में। देखिए हम 2 साल ज्यादा बता रहे थे तो महाराज जी ये असल और अपनी प्रत्येक कक्षा में 99% से नीचे कभी मैंने देखा ही नहीं। क्या बात है, अंतिम कक्षा में 99.99.9 एक अंक केवल मेरा कम था, वो भी दक्षिणा में ले लिया था लोगों ने। आपको 22 भाषाओं का ज्ञान है, हमने पढ़ा है, 230 से ऊपर आपने किताबें लिख दी। हाँ, आप 235 तक पहुंच गए जी। तो ये कैसे प्रभु की माया हो जाती, क्योंकि आप को लेकर एक जी, तो चरण कमल बंदो हरि राई जी, जाकी कृपा पंग गृह लंगे अंधेरे को सब कुछ दर्शाई जी, भगवान कृपा सब कुछ मोह। आपने हनुमान चालीसा की कुछ चौपाइयों को भी संशोधित किया भी। संशोधन नहीं किया, संपादित किया, पुरानी प्रतियों में जो था वो ही मैंने कहा जी। संशोधन में संपादन में अंतर होता है जी। मैंने रामचरितमानस का भी संपादन किया है जी, 4200 गलतियां गीता प्रेस ने की थी जी, मैंने सुधार कर संपादन किया, मेरा मानस छपा भी है जी। तो रामचरित और उस पर गीता प्रेस की सह पर हनुमानगढ़ी के साथ में मेरे पर मुकदमा चलाया जी। मैंने कोई पैरवी नहीं की, न कोई वकील किया जी। अंत में लखनऊ खंडपीठ के डबल बेंच ने मेरे ही पक्ष में निर्णय दे दिया जी, कि जगत गुरु जी का संपादन पूर्ण प्रामाणिक है जी। उन पर 20,000 का फाइन लगाया, अभी भी वो नहीं देख पाए जी। तो राम हनुमान चालीसा में भी मैंने जी 4 बहुत बड़े अपराध किए थे। शंकर सुवन बोलते हैं लोग जी, हनुमान जी शंकर जी के बेटे थोड़े हैं, सुवन मन बेटा जी, हनुमान जी शंकर जी ही हैं। अतः मूल पाठ तुलसीदास जी का है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, हनुमान गढ़ी में जाके देखिए यही पाठ मिलेगा आपको जी। शंकर स्वयं केसरी नंदन। और फिर इन्होंने लिखा सब पर राम तपस्वी राजा जी। तपस्वी राजा कैसे हो जाएगा, राजा तपस्वी नहीं हो सकता और तपस्वी राजा नहीं हो सकता जी। पुराना पाठ है सब पर राम राज सिर ताजा जी, तिनके काश सकल तुम साजा। और फिर राम रसायन तुमने पास, सदा रहो रघुपति के दासा नहीं, सादर हो रघुपति के दासा। और 38वीं पंक्ति में जो सतबार पाठ कर कोई नहीं, यह सतबार पाठ कर जोई छोटे बंदे महासुख हुई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हाँ इसीलिए तो जो यह पढ़े है, तो जब जो यह पढ़े वहां तो यहाँ भी यह सतबार पाठ कर जो होना चाहिए जी। जो सतबार पाठ कर कोई कैसे बनेगा जी। आपने कोर्ट में पैरवी की, आपने उन्हें प्रूफ दिया और मोदी जी की सरकार बनी और आज प्राण प्रतिष्ठा करीब हम हैं। लोग कहते हैं कि आपके बड़े अच्छे मित्र हैं मोदी जी, अभी मुलाकात भी किए थे आपके, फिर आने वाले हैं मिलने आपसे। मेरे तो मेरी पुस्तक का लोकार्पण करने स्वयं चित्रकूट आए थे वो जी। एक पुस्तक मैंने लिखी है जो 10,000 पृष्ठों में है, आज तक इतिहास में किसी ने इतनी बड़ी पुस्तक नहीं लिखी। पाणिनि अष्टाध्यायी केवल 25 पृष्ठों में है, उसकी व्याख्या मैंने 10,000 पृष्ठों में लिखी जी। 50,000 तो उसमें श्लोक लिखे हैं,
जी, उसी ग्रंथ का लोकार्पण करने के लिए किसी कार्यक्रम के बिना, कोई रैली नहीं, कोई चुनाव नहीं, मोदी जी 27 अक्टूबर को मेरे पास स्वयं आए थे जी। 3 ग्रंथों का उन्होंने लोकार्पण किया था, अष्टाध्यायी का और रामानंदाचार्य चरितम मैंने लिखा उसका जी, और श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला उसका। भगवान की राष्ट्रलीला सभी जानते हैं जी, राष्ट्रलीला कोई जानते ही नहीं। मैंने लिखी श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला। जब कुछ लोगों ने कहा कि कृष्ण भगवान का परिवार उच्छृंखल था, बड़े बड़े वक्ताओं ने कहा, बड़े बड़े संतों ने कहा, उसमें कोरोना का प्रकरण था, मुझको भी कोरोना का, मुझ पर भी आक्रमण था जी। मैं आईसीयू में था, वहाँ पीजीआई में, फिर भी वहीं रह करके मैंने वो पुस्तक लिखी 400 पृष्ठों की जी, तो उसका भी लोकार्पण हुआ। तो कैसे मित्रता आपकी उनसे है, मतलब आप लोग 1988 से हम दोनों की मित्रता, जब जब आडवाणी जी की रथ यात्रा हुई थी ना जी, उसी समय से। तो आप उन्हें नरेंद्र भाई बुलाते हैं या प्रधानमंत्री जी बुलाते हैं, कैसे आप लोग संवाद करते हैं? नरेंद्र भाई बुलाते हैं, नरेंद्र भाई जब मिलते हैं तब जी, उसे तो प्रधानमंत्री कहते हैं, वो मुझे जगत गुरु कहते हैं जी। तो अभी फिर मुलाकात होगी 22 तारीख को, अब मैं रहूंगा तो बस जी, वो हमसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे, उनको भीड़ भीड़ जाने जी। उस दिन तो इतने प्रेम से बात की, मेरा हाथ पकड़ कर ले आए वो, आपने आप प्रसारण उसको देख लीजिएगा जी, वो तो प्रसारण में है जी, देख लीजिएगा वीडियो। अच्छा महाराज जी, अभी एक आप खबर पर तो पढ़ते ही होंगे, शिवसेना के एक नेता है संजय राउत, वो कल कह दिए कि मंदिर वहां नहीं बन रहा है, 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। नहीं, वो मूर्ख है। मूर्खों की बात पक्का कोई प्रमाण नहीं होता। तो आप एक बार दर्शकों से कह दीजिए कि मंदिर वहीं बन रहा है। मैं कह ही रहा हूँ जी, वहीं गर्भगृह पर ही मंदिर बन रहा है, जहाँ हमने तक, जहाँ हमने संघर्ष किया, जिसके लिए 2 लाख हिंदुओं ने बलिदान किया, वहीं पर मंदिर बन रहा है जी। इसी से गर्भगृह में हम राम जी की स्थापना कर प्राण प्रतिष्ठा करें, और प्राण प्रतिष्ठा नहीं करें, राम जी तो रामलला जी प्राण प्रतिष्ठित पहले से, उनको केवल बिठा रहे कि अपने अपने गर्भगृह में तुम बैठ जाओ। अच्छा महाराज जी, थोड़ा प्राण प्रतिष्ठा समझा दीजिए दर्शकों, बहुत लोग जानते प्राण प्रतिष्ठा में, और सामान्य कुछ ऐसे विग्रह हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती, जैसे सालग्राम जी, इनमें चेतना नित्य है जी, रामलला जी जी, इनमें चेतना नित्य है, और हमारे मंदिर में यहाँ देख रहे हैं राघव सरकार जी, ये भी बाल रूप में है जी, इनकी प्राण प्रतिष्ठा नित्य है जी। जो पाषाण की मूर्ति बनती है उनमें वैदिक मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा, चेतना की प्रतिष्ठा कराई जाती है जी। जाते जाते आखिरी सवाल, अभी लालू जी के एक लड़का है बड़े वाले, वो कहे कि राजा राम सपने में आए थे हमारे, और कहे कि 22 तारीख को अयोध्या नहीं जाएंगे। वो ठीक है, बातुल भूत विवस मतवारे जी, नहीं बोले वचन संभारे जी, पागल लोग जो होते हैं वो संभाल कर नहीं बोलोगे, लेट हिम बार्क। ठीक है, हमको आशीर्वाद दीजिएगा, यहाँ रामलला वो हो रहा, आपका जन्मदिन भी है, और जाते आते कुछ कह दीजिए राम भक्तों के लिए, बहुत लंबा इंतजार किया। राम भक्तों के लिए मैं यही कह रहा हूँ, राम जी के ही, श्री कृष्ण की लीला केवल श्रवणीय है, सुनी जा सकती है जी, और राम जी की लीला श्रवणीय भी है, अनुकरणीय भी है। माता पिता गुरु सबके प्रति कैसा राम जी का व्यवहार है, वह व्यवहार यदि हम अपना लें तो हम महामानव बन सकते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद महाराज जी, शुक्रिया क्यों, अरे धन्यवाद, आशीर्वाद दीजिएगा हमको फिर से एक बार, ये तो कैमरे वाला आशीर्वाद था, असली वाला भी। ए भाई, एक हमारा फोटो खींचो हमारे, बहुत सौभाग्य है हमारा महाराज जी, देखो महाराज जी हमारा चश्मा लगा लिए।